VST मोबिलिटी सॉल्यूशन एक स्टार्टअप है जिसने एक अनोखे डिवाइस की इजाद की है। इन्होंने बिन 19 नाम से एक डस्टबिन बनाया है जिसमें आप इस्तेमाल किए हुए फेस मास्क को डिस्पोज कर सकते हैं। इस स्टार्टअप को केरला स्टार्टअप मिशन सपोर्ट करती है। वैसे तो कंपनी ने 11 महीने पहले ही इस डिवाइस को लॉन्च कर दिया था, पर इसकी अहमियत अब समझ में आ रही है। कंपनी का हेडक्वार्टर कोचीन में है। इस डिवाइस को क्यों लॉन्च किया गया है ये बताने की तो जरूरत है नहीं, आप सब समझदार लोग जो ठहरे। CSR के फंड की मदद से इस डिवाइस को राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसेस में इंस्टॉल कराया गया है। हाल फिलहाल में ही कंपनी को यूरोपियन मास्क मैन्युफैक्चरर के पास से डिवाइस के लिए ऑर्डर आए हैं। वो इस डिवाइस को हॉस्पिटल्स में लगवाना चाहते हैं। पिछले साल के जून में ही स्टार्टअप ने श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी जो तिरुवनंतपुरम में है उनकी मदद से इसे बनाया था। तब से ही राज्य में इसकी डिमांड बढ़ी गई है। ये बीन मास्क तो इकट्ठा करता ही है, साथ ही में इसे डिसइंफेक्ट भी करता है। श्री चित्रा लैब ने इस डिवाइस का माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी किया है। ये लैब देश के उन लैब्स की गिनती में आता है जो यूवी लाइट बेस्ड डिवाइसेस की टेस्टिंग करता है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा बनाए गए गाइडलाइंस को फॉलो करता है। जो भी मास्क इस बिन में डाला जाएगा वो ऑटोमेटिक डिसइंफेक्ट होकर दूसरे बिन में चले जाएगा जो उस बिन के अंदर ही मौजूद रहता है। मास्क डिस्पोज करने वाला व्यक्ति अपना हाथ भी सैनिटाइज कर सकता है। इस डिवाइस के साथ ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसर भी लगा हुआ है। ये सब काम बिना मशीन को छुए किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वेस्ट मैनेजमेंट करने में ये डिवाइस खुद को बहुत कारगर साबित कर रहा है। यही वजह है कि लोग इस पर भरोसा कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसमें IoT फीचर है जिसकी मदद से लोग अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके भी इस डिवाइस को नेविगेट कर सकते हैं। अगर मशीन को आप ऑन या ऑफ करते हैं या उसे खोलते हैं तो मशीन अलर्ट भी जारी करता है।